नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले के बारे में कुछ रोचक जानकारी और पर्यटन स्थल के बारे में। दोस्तों, देवास जिला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है जो अपने कई प्रमुख स्थानों, तीर्थ स्थलों और एक औद्योगिक शहर के रूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश और भारत में प्रचलित है। यह शहर औद्योगिक क्षेत्र की वजह से बहुत अधिक प्रचलित है, जिसके कारण यह भारत के कोने कोने से लोग आकर बसे हुए हैं। दोस्तों, देवास का प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थल माता टेकरी का दरबार है, जो कि पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इस टेकरी पर माता तुलजा भवानी, जिसे बड़ी माता, और माता चामुंडा भवानी, जिसे छोटी माता के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि यह दोनों माता शक्ति के 52 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों, दोनों माताओं के नाम पर ही देवास को एक कथन के द्वारा संबोधित किया जाता है। क्या आप जानते हो, देवास को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे माँ चामुंडा की नगरी देवास, माँ तुलजा भवानी नगरी देवास, माता टेकरी का शहर देवास, और भी कई नाम है। मीठा तालाब, यह देवास में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। यह तालाब बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इस तालाब के पास में एक गार्डन भी है। यह गार्डन बहुत सुंदर है। मीठा तालाब में आपको फव्वारे भी देखने मिलेंगे। यहाँ पर आप सुबह और शाम के समय अपना समय बिताने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, पवार छतरी, यह देवास शहर का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह जगह देवास शहर में मीठा तालाब के पास में स्थित है। यहाँ पे आपको प्राचीन छतरियाँ देखने के लिए मिलती है, जो बहुत सुंदर लगती है। दोस्तों, आप जब भी देवास मीठा तालाब घूमने के लिए जाए तो इन छतरी को देखने जरूर जाए। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, यह देवास जिले का एक धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में गणेश जी की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यह मंदिर देवास जिले के नागदा में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। शिप्रा बांध, यह देवास जिले की एक सुंदर जगह है। यहाँ आपको एक सुंदर जलाशय देखने के लिए मिलता है। यह जलाशय शिप्रा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, बरसात के समय शिप्रा डैम पानी से पूरी तरह भर जाता है और जिसे इसके गेट खोले जाते हैं और यह डैम का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, देवास में और भी प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे कि पिपलेश्वर मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, कांवड़िया पहाड़ी, जटाशंकर महादेव मंदिर, शंकरगढ़ हिल। इसकी विगतवार जानकारी किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं।